आज दिनांक 26 जनवरी को एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम की श्रृंखला में भानिर तहसील के ग्राम सालोन भटारी में श्री प्रिया कुशवाहा के निज निवास पर एवं सुशील जी ने भूतपूर्व सैनिक की पत्नी कांति मिश्र एवं पूर्व सैनिक के पुत्र बादाम सिंह पाल का समस्त ग्रामवासियों के द्वारा सौल श्री फल से सम्मानित किया गया। नमन करता हूँ माता जी के चरणों में और यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव परिचयजनों को एवं साथियों को सादर प्रणाम करता हूँ। और क्या लाइनों के साथ इस सैनिकों का स्वागत करना चाहूँगा, अगर अच्छी लगे तो मुझे बताइएगा जरूर। सौर साहस का आप चंदन है और साहस का आप चंदन है, हे मातृभूमि के भी आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। अगर हम ये कहें कि धरती पर दुनिया में सबसे ज़्यादा जन्म से लेकर और मरने तक अगर कोई सबसे ज़्यादा त्याग और बलिदान करता है तो वो हमारी माताएं होती हैं, क्योंकि जब बॉर्डर पर एक सेनानी शहीद होता है तो कोई बहन अपना भाई होती है, कोई माता अपना बेटा, तो कोई पति अपना पति होती है, लेकिन हमारे लिए तो मरता है बच्चे सैनिक। माता से पूछिए, इनके तीन रूप जाते हैं जब कोई एक बेटा शहीद होता है, तो इन माता की ओर से मैं आप लोगों के बीच में कुछ लाइन रखना चाह रहा हूँ। इनकी जो भावना रहती है मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ, अच्छी लगे तो मुझे वो भी बताइए कि प्यार भी भरपूर गया। एक माँ कह रही है नन्हे नौ लिहाजों की रोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की छोटियाँ चली गई, और आपके लिए तो एक आदमी और आया साहब, मेरे घर की तो सारी रोटियाँ चली गई। यूँ तो भारतीय सेना की गौरव गाथाएं अगर हम सुनाने पर आए और आप लोग सुनने पर आए कई वर्ष निकल जाएंगे, हमें बड़ा गर्व होता है कि हम भारत के अंदर रहते हैं, भारतीय सेना हमारी सुरक्षा में रहती है। और भारतीय सेना के लिए बस ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि जो हमारा तिरंगा झंडा है अपने आप में समूचे भारत को दर्शाता है। ये जब लहराता है तो समझ लो भारत में खुशहाली लहरा रही है। ऊपर का जो आप लोगों ने देखा होगा तीन रंग तिरंगे जो पाए जाते हैं, जो ऊपर का स्वर्ण रंग होता है वो अपने आप में शांति का प्रतीक होता है। जब वो लहराता है तो भारत देश के अंदर हमेशा ही शांति छाई रहती है। बीच का जो केसरिया रंग होता है खुशहाल संपन्न भारत को दर्शाता है। हरा रंग को आप सभी लोग जानते हैं कि जो किसान होते हैं अपनी फसलें करते हैं वो उसका प्रतीक होता है। तो इस तिरंगे के ऊपर आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाना चाह रहा हूँ। ये कोई कहानी नहीं है ना ही काल्पनिक है, ये सत्य है, ये यूपी के गाँव की घटना है। हुआ कहता है कि एक सेनानी जब शहीद हो गया बॉर्डर पर तो तिरंगे